हेलो स्टूडेंट्स लेट्स सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट वैलेंसी तो वैलेंसी के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ये तो सच बात है वैलेंसी का मतलब ही है सपोज ए एक एलिमेंट है जिसका एक ऐटम है और वो एटम कितने और दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ जुड़ सकते हैं वही इसका वैलेंसी कहलाया जाएगा यानी अगर मैं ए बी टू लिखती हूँ तो इसका मतलब है एक ए के एटम ए एक एलिमेंट है एक ए के एटम दो बी के एटम के साथ जुड़ रहे हैं तो ये जो टू है ना दिस इज़ द वैलेंसी ऑफ ए तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है और ये स्टेटमेंट सही है ठीक है हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है आयरन हैज़ वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी यानी जहाँ एक से ज़्यादा वैलेंसी हो सकता है किसी एक एलिमेंट का ठीक है तो देखा गया है कि आयरन के ऐसे एक से ज़्यादा वैलेंसी हो सकता है कभी कभी इसका वैलेंसी टू होगा कभी कभी इसका वैलेंसी थ्री होगा ठीक है टू वैलेंसी जब होता है तो उससे बने कंपाउंड्स जो है उसके सफिक्स में हम ओ यू एस लगा लेते हैं और जो थ्री से बने यानी जो ज़्यादा वैलेंसी वाले हैं उससे बने जो कंपाउंड्स हैं वहाँ पर हम आई सी लगा लेते हैं सफिक्स में राइट तो ये भी सही स्टेटमेंट है नाइट्राइड इज अ वाइवेलेंट रेडिकल तो नाइट्राइड क्या है देखो नाइट्राइड है ये इन थ्री माइनस अब ये जो रेडिकल आप देख सकते हो इसमें आपको चार्ज में ध्यान देना पड़ेगा चार्ज क्या है चार्ज है माइनस थ्री तो वैलेंसी भी चार्ज की ही साथ इक्वल होगा विदाउट द साइन तो वैलेंसी इसका क्या है थ्री अगर थ्री है तो ये क्या है ये ट्राई वैलेंट है ये बाई वैलेंट नहीं है बाई का मतलब क्या है बाई का मतलब है टू जबकि ट्राई का मतलब है थ्री तो ये हो गया आपका गलत स्टेटमेंट और आपको आपका ऑप्शन मिल गया जो कि है सी ठीक है दैट इज योर करेक्ट आंसर फिर भी डी को पढ़ लेते हैं द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन हाइड्रोजन सल्फाइड इज टू तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है देखो हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये है ठीक है अब देखो वैलेंसी का क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है तो यानी जब फॉर्मूला लिखता है तब एक्सचेंज हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये जो टू है बेसिकली ये क्या बोलना चाहते हैं कि एक सल्फर का एटम दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ जुड़ के एक कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहे हैं तो ये जो टू है दिस इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर वैलेंसी ऑफ सल्फर तो ये स्टेटमेंट सही है ठीक है सो योर आंसर इज ऑप्शन सी आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्ट नहीं है थैंक यू सो मच